और इस सेशन को हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटे डिले शुरू किया था, तो 2 घंटे पूरे भी नहीं हुए हैं, 5:05 अभी हुआ है, और जो हमारा कार्यक्रम है टेक्निकली 5 बजे उसको खत्म कर देना चाहिए था। तो थोड़ा सा क्योंकि डिले शुरू किया है, 2 घंटे तो सेशन चलना ही चाहिए, तो थोड़ा सा लेकर जाते हैं, लेकिन मैं बहुत लंबा आपको खींचूंगा नहीं, क्योंकि लंच से पहले मैंने संख्या गिनी थी और वो संख्या तकरीबन 180 के आसपास थी, और अभी जो संख्या मैंने फिर से गिनी तो वो आधी रह गई है, और आधी के बाद भी जब मैं शुरू किया बोलना तो 4 लोग और उठ के जा चुके हैं। तो ये स्थिति है हमारी बहुजन आंदोलन की और सारी चीजों की। बेसिकली इस विषय को इस तरीके से डिजाइन करना, और खाली जो बहुजन समाज के संगठन हैं उन संगठन के प्रतिनिधियों को इसमें बोलने का अवसर दिया गया था, किसी व्यक्ति को नहीं था, क्योंकि वो और उनका संगठन इस विषय पर अपनी किस तरह से राय रखता है, किस तरह से सोचता है, वो यहां रखते। लेकिन आजकल तो पीयर इवैल्यूएशन का दौर है कि स्टूडेंट खुद अपना भी मूल्यांकन करता है और अपने टीचर का भी मूल्यांकन करता है। तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया है कि विषय पर बोलते समय हमारे बहुजन समाज के संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी हालत क्या है। हमको यदि अपने आप को हम तैयार नहीं करते हैं बोलने के लिए, तो इसका मतलब यह कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और लीडर की यदि ये हालत है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी हालत क्या होगी। हमें यह विचार जरूर करना चाहिए यहां से, क्योंकि जितना गंभीरता पूर्वक हम विचार करेंगे उतना ही हम इस आंदोलन को अपने संगठनों के माध्यम से ज्यादा मजबूती के साथ आगे लेकर जा पाएंगे। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि बहुजन समाज के संगठन तो हजारों हैं, और उन संगठनों का जो उद्देश्य है वो अंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस मनाना, बुद्ध जयंती मनाना, और अब तकरीबन पिछले 5 साल से संविधान से संबंधित कार्यक्रमों को करने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के समक्ष वर्तमान में क्या उनके मुद्दे हैं और उन मुद्दों के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम उस तरह से नहीं सोच रहे और विश्लेषण कर रहे और निष्कर्ष नहीं निकाल रहे जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिजीवी समाज से उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि हमारा तो अंबेडकर जयंती मनाने का भी एक एजेंडा होना चाहिए, और एजेंडा में भारत के संविधान का ही मसौदा होना चाहिए सीधा सीधा, और यदि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अलावा वो दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं हो सकता। वहां से यदि हम शुरू करते हैं तो चीजों को आगे ले जा सकते हैं, और यदि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारे सामने भारी चुनौतियां हैं। आप सोच के देखिए कि पिछले 50 सालों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेवाओं में 50 साल पहले, 40 से 50 साल पहले घुसे होंगे, 50 साल पहले आपके साथ, आपके गांवों में, आपके शहरों में, आपके कस्बों में जिसने भी बीए कर लिया होगा उसको सरकारी नौकरी मिल गई होगी। जबकि हम कह रहे थे कि भारत सरकार ने भारत के संविधान को उतनी ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया, लेकिन फिर भी नौकरी मिल गई। लेकिन आज आपके बच्चे जो सर्विस क्लास के बच्चे हैं, मैं बहुत सारे आईएएस को भी जानता हूं, वाइस चांसलर्स को भी जानता हूं,
और क्लास वन क्लास टू ऑफिसर्स को तो जानता ही हूं, सबका संकट यह है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीए किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, एमबीए किया है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। आखिर क्या कारण है? कारणों को तलाशना पड़ेगा, और जब कारणों को तलाशते हैं तो फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि इस भारत के संविधान के माध्यम से जो लाभार्थी वर्ग था, उस लाभार्थी वर्ग ने इस संविधान के प्रचार प्रसार को जहां से वो आया था वहां ले जाकर वो लेकर गया या नहीं गया। तो तब हम देखते थे कि हमने जिन गांवों से छोड़कर हम आए, हमने तो पीछे की तरफ देखा ही नहीं, और जब पीछे की तरफ देखा नहीं तो उन्होंने भी आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। और आरक्षण का जो प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है, वहां जब हमारा आंदोलन था तो आंदोलन के सामने वही चुनौतियां थी कि हम तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन समाज हमारे साथ नहीं है, युवा हमारे साथ नहीं है, हमारे विद्यार्थी हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की लड़ाई को हमने एजेंडा बनाया? छात्रवृत्ति खत्म कर चुके हैं हम लोग। पढ़े तो जीरो फीस पर एडमिशन होता था, हॉस्टल की फीस पूरे साल की 135 रुपया, खाने का जो खर्चा वो मिनिमम। आज तो जो सरकारी संस्था वो चल रहे हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं, सरकार ने उन नीतियों को लागू कर दिया है कि हॉस्टल खाने पीने और पढ़ाई का सारा खर्चा जो है विद्यार्थी से वसूल करना है। और हालत यह है कि हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश या किसी बिहार या झारखंड का सुदूर विद्यार्थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई करने जाता है और जब हॉस्टल का खर्चा वो देखता है तो वहां उसके माँ बाप कहते हैं, हम तो ये सोचकर आए थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी में हुआ है लेकिन उसकी फीस जो वसूल की जाती है, जब वो प्राइवेट की तरह वसूल की जाती है, तो आधे से अधिक विद्यार्थी अपने सपनों को तोड़कर फिर अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। ये संविधान नहीं बदला गया क्या? ये भी तो संविधान बदल दिया, पता भी नहीं चलने दिया, और उन्होंने संविधान की जो मूल भावना है उसी को खत्म कर दिया। लिख के चेंज करेंगे क्या तभी हम मानेंगे? भाई जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जब पहली बार 2014 में सरकार बनी तो उसका बयान है रिकॉर्डेड, आप गूगल करिए, उसने कहा था आरक्षण हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे लेकिन हम आरक्षण को उस हालत में पहुंचा देंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। आरक्षण खत्म नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सच में आरक्षण को वो स्थिति कर दी जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जिस तरीके से वो निजी क्षेत्र के हवाले करते चले जा रहे हैं, मामला खत्म। लेकिन क्या हम या हमारे नेता जिन्होंने संविधान के माध्यम से अपनी राजनीति को चमकाया, संगठनों को चमकाया, क्या ईमानदारी पूर्वक वो उस एजेंडा को लेकर उन लोगों के पास गए जो इस संविधान के माध्यम से लाभार्थी वर्ग था? नहीं गए। हमारे अधिकार छुटते चले जा रहे हैं, और हमारे साथ संकट ये है कि 400 कुर्सियों के इस हॉल को हम नहीं भर पा रहे हैं। इसका मतलब कि कितनी उदासीनता है कि हम कहते हैं कि 85% का समाज है, मुझे तो लगता है कि वो 3% जो लोग हैं वो ज्यादा संगठित है अपने एजेंडा को लागू करने के लिए। आज भी वो यहां से 10 किलोमीटर की लंबी जो लाइन है वो लाइन लगा सकते हैं। तो फिर हम 85% का क्या है कि संख्या में तो बेशक हम 85% है जिस विचार की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से तो हम 5% भी नहीं है अभी भी।
और जब तक हम वैचारिक रूप से एक वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो जब राजनीति के माध्यम से लाभ लेने की संस्कृति पनप रही है तो जाति आधारित संगठन विकसित होते चले जा रहे हैं, और जैसे ही जाति आधारित संगठन विकसित हो रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर यह हो रहा है कि इस संविधान के साथ ही हम धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जिन 85% की हम बात कर रहे हैं वो संविधानिक भाषा में एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो या तो आप इस संविधान की भाषा को अंगीकृत करिए, और ये जो अंगीकृत भाषा है ये किसने दी है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको 15% का एक जो वर्ग है शेड्यूल कास्ट का उसमें शामिल होना होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बात करने वाले जो लोग हैं वो अपने जो सफलता का राज है अपने जातीय संगठनों में खोज रहे हैं, और ये जिनको हम बार बार कहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम अपनी नालायकी का हमारी जो नालायकी है उसका जो दोष है हम उन मेहनत कश लोगों के पास दे रहे हैं कि जो हजारों साल से 15% होने के बावजूद भी इस बहुसंख्यक लोगों पर शासन करते चले आ रहे हैं। और ये कब स्थिति है? जब स्थिति है जब संविधान हमारे साथ है। संविधान उनके साथ नहीं है, संविधान हमारे साथ है, क्योंकि संविधान तो कह रहा है आर्थिक समानता लाएंगे। जब आर्थिक समानता लाएंगे तो सरकार और संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से शासक वर्ग को यह कह रहा है कि शासक वर्ग ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि आर्थिक समानता आएगी। और यदि 90 के दशक तक हम देखें तो इस देश में ऐसी आर्थिक नीतियां बनी जिनसे एक आर्थिक समानता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ, हम जो मिडिल क्लास डेवलप हुए वो उसी नीतियों की वजह से हुए। लेकिन जब उन्हें लगा कि सच में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने के बाद और उससे पहले बाम सेफ ने जो मूवमेंट चलाया, बाम सेफ DS4 इन लोगों ने जो मूवमेंट चलाया और उससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को देखकर जो ओबीसी में चेतना आई, उनको ये लगा कि यदि अब इन नीतियों के साथ हमने कुछ नहीं किया तो वो दूर दिन दूर नहीं कि जिस बात को बाम सेफ के काशीराम, डीके खापरडे, दीना बाना और बहुत सारे जो बाम सेफ ने लोगों को ट्रेंड किया, जो आज चर्चाएं करते हैं, ये उसी तरह का समाज और उसी तरह का शासन संस्था का निर्माण कर डालेंगे। और तब उन्होंने 1991 में सरदार मनमोहन सिंह के माध्यम से नई आर्थिक नीति लागू की, और उस नई आर्थिक नीति में सरदार मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें जो सरकारी क्षेत्र है उसको डाउन साइज करना है, कम करना है। जिस कल्याण भारतीय संविधान में जिस कल्याणकारी राज्य की हम वकालत करते हैं वो कल्याणकारी राज्य कहां से निकल कर आता है? सरकारी क्षेत्र से निकल कर आता है। निजी क्षेत्र तो अपने फायदे के लिए काम करता है, जब तक उसका फायदा होगा वो काम करेगा, फायदा नहीं होगा काम नहीं करेगा। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र है उसको हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई लोक कल्याण का जो काम है वो काम आपको करना है। और इसीलिए आप देखिए कि हम जब बहुत गरीब राष्ट्र थे, मेरी तो आपके सामने उम्र भी बात करना बहुत सारे लोगों के सामने कि जब हम तकरीबन 70 के दशक में थे, 60 और 70 के दशक में थे, तो 60 और 70 के दशक में हम यहां की तकरीबन 45 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या थी उसको खाने के लिए गेहूं भी पैदा नहीं कर पा रहे थे, उसे भी हम अमेरिका से मंगा रहे थे। लेकिन उस समय सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रही थी, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बना रही थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल बना रही थी। क्यों? क्योंकि संविधान के
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 45 और 46 था वो कह रहा था, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जोर दिया था, वो कह रहा था कि इस संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर भीतर, मतलब इकलौता डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद था जो राज्य को एक समय सीमा में बांध रहा था, वो था कि इस संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर भारत के सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की होगी उनको निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा देनी होगी। मतलब कक्षा 8 तक हमें 1960 तक में ही सबको कक्षा 8 तक की पढ़ाई करवा देनी थी। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले साहब, क्या विजन रहा होगा, हजारों साल आगे तक की सोची, ये विजन रहा। लेकिन आप देखिए कि आज भी जब हम 2023 में हैं तो भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब सरकारों को जितनी मजबूती के साथ हमारे संविधान को लागू करना था सरकारों ने लागू नहीं किया, और क्यों नहीं किया, वो षड्यंत्रों के तहत नहीं किया। कि आप सोच के देखिए 1960 में यदि भारत की हर एक बेटी कक्षा 8 तक की पढ़ाई प्राप्त कर लेती तो आज महिलाएं कहां होती। भारत के संविधान ने तो व्यवस्था करी ना, जो 70% गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे यदि 60 तक 8वीं तक की एजुकेशन ले लेते तो क्या हालत होती गांव की आज। जो शहर में जिनको हम गरीब कह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी कह रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी कह रहे हैं, यदि उनके भी बच्चे, सभी बच्चे 8वीं तक की शिक्षा 1960 में प्राप्त कर लिए होते तो शायद आज हम शिक्षा के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में कहां होते, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हमें इसे गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव का जो एजेंडा है, किसी भी राजनीतिक दल का एजेंडा, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। तो हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचना ही नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे जो लोग उनकी दास्ता में फंस चुके हैं, क्योंकि वो दास्ता में फंसे हैं, गुलामी में फंसे हैं, और उनको षड्यंत्र पूर्ण तरीके से फंसाया गया है, ठीक उस तरीके से जैसे मैंने कहा कि 1991 में जब नई आर्थिक नीति को लागू किया तो सरदार जी ने संसद में कहा था कि हम सरकारी क्षेत्र को डाउन साइज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप देखिए बिरला अंबानी रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन के नाम पर वो रिपोर्ट गठित करी, और उसमें सीधा सीधा कहा गया कि हमें कुछ नहीं करना है, बच्चों से फीस वसूल करनी है, और पहली बार शिक्षा में सुझाव के लिए 2 उद्योगपतियों को सरकार ने जिम्मेदारी दी। हमें क्या इसी सारे को समझना नहीं चाहिए था कि भाई शिक्षा का मामला है और वो उद्योगपतियों से शिक्षा की नीतियां बना रहे हैं, और उद्योगपति यदि शिक्षा की नीतियां बनाएंगे तो वो अपने फायदे की बनाएंगे। और उन्होंने कहा सीधा कि सरकार को केवल मिड डे मील खिलाने तक की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहिए, और जब निजी क्षेत्र के हवाले होती है तो 2000 में कुछ रिसर्च होती है कि यदि हम एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो कितना खर्चा होगा, और एमए की डिग्री के लिए 3 विश्वविद्यालयों पर शोध हुआ, मेरठ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यदि हम एमए की पढ़ाई को प्राइवेट कर देते हैं 2000 में तो उसका खर्चा कितना आएगा, 38,000 से 42,000 रुपया 2000 में आने वाला था। आज भी जो हमारे विद्यार्थी हैं क्या 42,000 में एमए की पढ़ाई करने के लिए तैयार है, नहीं है। तो ये चुनौतियां हैं कि जीरो फीस एडमिशन खत्म हो रहा है, छात्रवृत्ति खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और उस प्राइवेटाइजेशन में बच्चा 3 मौकों पर जाता है, बस एडमिशन लेने जाता है, परीक्षा देने जाता है और परिणाम लेने जाता है, पढ़ाई से कोई मतलब वहां नहीं है, और जब पढ़ाई से मतलब नहीं है तो फिर वह जॉब मार्केट के लिए अनफिट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि उसका जो माल एडजस्टमेंट है सोसाइटी में वो
हो पाता है। लेकिन हो कि हुआ क्या, क्योंकि जो हम लाभार्थी वर्ग हैं, हम जो निकल कर आए आगे, हम लोगों को जितने बड़े पैमाने पर मिशन पे बैक टू सोसाइटी, ये एक रखा है ना डब्बा, आगे सामाजिक ऋण वापसी अभियान के तहत संविधान जागरूकता सहयोग राशि, ये राशि है ना, 500 रुपए की बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, 100 रुपए की बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक ऋण हमारे पास आया, जैसे मैं 3 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बना, पहले गोरखपुर में मैंने नौकरी की, फिर कानपुर में हेड डीन डायरेक्टर सब रहा, और फिर मैं मई में यहां आया, तो मुझ पर कम से कम कितना सामाजिक ऋण है, क्योंकि मैं जिस पद पर पहुंचा हूं वो रिजर्वेशन की पोस्ट है, और रिजर्वेशन की पोस्ट का मतलब है कि मैं समाज का प्रतिनिधि हूं, और यदि मैं समाज का प्रतिनिधि हूं तो मुझे समाज की हर एक आवाज को उन सभी मंचों पर उठानी पड़ेगी जो विश्वविद्यालयों के मंच है, विद्यार्थियों के हित के मंच है। यदि हम ये कर पाने में कामयाब हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आएगी, और यही हमारा संवैधानिक उद्घोष, कर्तव्य उद्घोष होना चाहिए। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह कि हम छोटे से हितों के लिए, छोटे से लाभों के लिए अपना और अपनी विचारधारा को बेच दे रहे हैं। आप देखिए, संविधान को बदलने के लिए विवेक देवराय ने इतना स्पष्ट लेख लिखा, और वो रिसर्च बेस्ड वो है लेख, फिर भी हम सीना फुलाकर यहां कह के जा रहे हैं संविधान को तो कोई बदल ही नहीं सकता। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के भी आंदोलन को मैंने देखा, ऐसे ही कार्यक्रमों में लोग चिल्लाकर चले जाते थे, अरे रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो बाबा साहब ने दिया है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर दिया उन्होंने, क्या कर पाए हम लोग भाई? मंडल कमीशन वाले और रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले केस में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कहता है ना, भाई आंकड़े नहीं है इसलिए हम नहीं इसको लागू कर सकते, आंकड़े सरकार से कहो, आंकड़े सरकार लाए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया बिना आंकड़ों के, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया बिना आंकड़ों के। तो आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है, न्यायपालिका में कौन बैठा है। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि भारत के संविधान द्वारा सृजित जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, यदि उनका लोकतांत्रिक चरित्र बना नहीं रह सकता, और यदि वो लोकतंत्र के हित में कार्य नहीं करेंगी, तो संविधान सुरक्षित नहीं है। और जो ये उच्च न्यायपालिका है, आपको यह समझना पड़ेगा कि उच्च न्यायपालिका का लोकतांत्रिकरण जब तक नहीं होगा, तब तक हम ये मानते हैं कि वो उच्च न्यायपालिका, मैं सीधा सीधा ये कमेंट करता हूं कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जो उच्च न्यायपालिका बनी है, और उस उच्च न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है, वो जो कंटेंट ऑफ कोर्ट हथौड़ा मारकर करते हैं, मैं इस बात पर निष्कर्ष रूप से पहुंचा हुआ हूं कि वो उस हथौड़ा के ही माध्यम से रात दिन पिछले 70 सालों से कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते चले जा रहे हैं, यदि वो कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते तो फिर ईडब्ल्यूएस के केस में भी वही निर्णय आता जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के केसेस में आता है कि आंकड़े नहीं है, और आंकड़े नहीं है तो हम इसको लागू नहीं कर सकते। इसलिए ईडब्ल्यूएस को भी तब तक रोकना पड़ेगा जब तक कि हम सरकार आंकड़े एकत्रित नहीं करती है। तो आप अंदाजा लगाइए, आपको सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन का क्या हल कर दिया, इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या हल कर दिया, लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हल कर दिया, विश्वविद्यालयों का क्या हल कर दिया, महाविद्यालयों का क्या काम का हल कर दिया, और हम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। यह हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद हम और आप तो इस बोलने की स्थिति में भी हैं, लेकिन यदि इसी तरह
जीवन चलता रहा इसी तरह जो धारा चलती रही, तो आप यकीन मानिए कि 20 साल बाद हमारी ये औकात में रह जाएगी कि हम ऐसे हॉल में कार्यक्रम कर सकें। आज पता है सवेरे संविधान चेतना रैली निकालनी थी और चेतना रैली के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टेचू पर माल्यार्पण करना था। मुश्किल से 35 लोग थे, क्योंकि कुछ लोगों को यहां रोक दिया कि भाई लोग आएंगे तो रुको, और सबके उसमें कुछ नहीं, मेरी शान भारत का संविधान। पुलिस वाले आए, सीओ से लेकर सबसे बात हुई, बोले नहीं जाने देंगे, धारा 144 लागू है। हमने कहा भी परमिशन है, परमिशन क्यों दी फिर आपने? और बहुत मेहनत करने के बाद हमारी स्थिति यह हुई, हमने ये समझाया कि संविधान चेतना का कार्यक्रम है, हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, संवैधानिक तरीकों से करने जा रहे हैं, लगातार समझाया। तब उसने कहा कि सर नारे लगाते मत जाइए और थोड़ा सा गैप में चले जाइए, नहीं तो पहले वो तैयारी नहीं हो रहा था। हालत ये है, इसी उत्तर प्रदेश की हालत है ना, कहते हैं ना कि बहुजन राजनीति के माध्यम से हमने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या 5-6-10 साल करने की बात है? हजारों साल उन्होंने किया है, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही कहा ना, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट इट इज एन इमॉर्टल स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ये आपको तय करना पड़ेगा। तो अब इसको हटा दीजिए, क्योंकि बुद्धिज्म किसमें है? संविधान में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा ना, जब बीबीसी के रिपोर्टर और तमाम लोगों ने कहा कि आपने तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया, फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों को रख दिया बस, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई नहीं, फ्रांसीसी क्रांति से हमने नहीं चीजों को लिया, हमने तो हजारों साल पहले जो मेरे यहां मास्टर हैं, गुरु हैं तथागत बुद्ध, उनके दर्शन के ये मूल्य थे, हजारों साल पहले यहां वो प्रैक्टिस होते थे, उनको हमने भारतीय संविधान में रखा है। इसका मतलब भारतीय संविधान ही बुद्धिस्ट जो नियम है वो है। इसलिए दो ही चीजें हैं कि ब्राह्मणिज्म क्या है, स्प्रिट ऑफ इनइक्वालिटी, कि गैर बराबरी की जो भावना है वो ब्राह्मणवाद है, और संविधानवाद क्या है, स्प्रिट ऑफ इक्वालिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सभी के लिए एक जैसा विधान, और जो कमजोर है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, शेड्यूल कास्ट है स्पेशल प्रोविजन, शेड्यूल ट्राइब है स्पेशल प्रोविजंस, फिजिकली चैलेंज्ड है स्पेशल प्रोविजंस। तो साथियों मेरी भी तकरीबन बात जो है 28 मिनट हो गई है, और सही जो प्रिसाइड ओवर होता है उसको भी यह है कि वो ऐसा ना हो कि सब पे लगाम लगाए और खुद 1.5 घंटे भाषण करे, तो लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें कहनी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मौका मिलेगा हम आपस में चर्चाएं करने का इस तरीके से, तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। और आप सिंसियरली संगठनों को छोड़कर, क्योंकि समान वैचारिक जो और उद्देश्य वाले जो संगठन हैं, जो विभिन्न जो संगठन के जो लोग यहाँ प्रतिभाग करें, आप देखिए कि आपको ये सोचना नहीं है, आपको बस यही मानना है कि हमारे बहुत सारे संगठन हैं, उनके भी बहुत सारे संगठन हैं, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कौन सा संगठन काम कर रहा है, बिल्कुल मत सोचिए उसके बारे में। आप यही मान के चलिए कि हर एक संगठन संविधान के बाहर जो है वो अलग अलग संगठन की पहचान है, लेकिन संविधान की जब चर्चाओं में हम आ रहे हैं तो हमारे संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर तो BS4 डोर टू डोर, मेरी शान भारत का संविधान। जय हिंद, जय मूलवासी साथियों, जय संविधान, जय भारत। और एक सूचना थी कुछ साथियों ने जो मुझे भिजवाई थी, वो ये थी कि 9 सितंबर के लिए संगठन का कोई नाम नहीं है, लेकिन 9 सितंबर शनिवार को 12 बजे होटल अवध कोर्ट में कोई संविधान बचाव हेतु मंथन कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी सूचना मुझे आपको देने के लिए कही गई थी। दूसरी चीज़, अभी फिर से मुझे एक और
आदेश हुआ आयोजकों के माध्यम से कि इस को इसके लिए कुछ कोष के लिए आप कुछ सहयोग राशि, दान राशि में सहयोग राशि यदि आप कर सकते हैं तो आप करिए। धन्यवाद। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।